सो हेलो गाइस एंड दिस योर फ्रेंड आरवीएस एंड गाइस ये रही दी ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 200। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है केटीएम ड्यूक 200। तो फाइनली गाइस जो केटीएम ड्यूक 200 थी उसमें कंपनी ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो अब आपको केटीएम ड्यूक 200 में एलईडी हेडलाइट मिलता है, सेम टू सेम जस्ट लाइक ड्यूक 250 एंड केटीएम ड्यूक 390। सो गाइस सामने से देखने पे ये बाइक को कोई कह नहीं सकता है कि ये ड्यूक 200 है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ड्यूक 250 है। ये देखो, हाँ अगर इधर से ऐसे साइड से देखेंगे तो लग रहा है कि हाँ भाई ड्यूक 200 है, वो भी लिखा हुआ है तो, वरना तो भाई ये पूरी की पूरी ड्यूक 250 ही लग रही है। सो चलिए गाइस देखते हैं और क्या इस बाइक में चेंज किया गया है। सो जैसा कि आप देख सकते हो इस बाइक में सेम पहले के जैसा ही आपको डिजिटल मीटर मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भाई कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हमें लगा था कि हो सकता है इस बाइक में भी हमें LCD डिस्प्ले या TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले के जैसा ही आपको यहाँ पर डिजिटल मीटर मिल जाता है एंड पीछे से भी बाइक सेम है। एंड चलिए उस साइड से देखते हैं बाइक में क्या कुछ चेंजेस है। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पीछे में अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, यहाँ पे साइड एग्जॉस्ट नहीं दिया गया है ड्यूक 250 या 390 के जैसा। इस अगर बात की जाए इस बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशंस की, सो इस बाइक में आपको सेम 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन मिलता है जो 25 PS की पावर जनरेट करती है एंड 19.2 Nm का टॉर्क। एंड इस बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मिलता है। तो फ्रेंड्स इस बाइक में सिर्फ इसका जो लुक है फ्रंट से वो चेंज कर दिया गया है, मतलब सिर्फ इस बाइक का जो लाइट है वो चेंज कर दिया गया है। पहले इस बाइक में आपको हैलोजन हेडलाइट मिलता था, बट नाउ अब इस बाइक में आपको फुल LED लाइट मिलता है। सो गाइस पहले आपको ड्यूक 200 में हैलोजन हेडलाइट मिलता था प्लस LED DRL एंड सेम ऐसा लुक मिलता था। सो गाइस कंपनी ने इसे हटा दिया है, अब आपको KTM ड्यूक 200 में सेम ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390 का जैसा लुक मिलता है। सो ओवरऑल गाइस जो बाइक है वो सेम पहले के जैसे ही है, सिर्फ इसका जो फ्रंट मॉडल है वो चेंज कर दिया गया है। मतलब पहले इस बाइक में आपको हेलोजन लाइट मिलता था एंड नाउ गाइस अब आपको इस बाइक में फुल LED लाइट मिलता है जस्ट लाइक ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390। सो ये गाइस इस बाइक में बड़ा अपडेट किया गया है। बाकी का गाइस एवरीथिंग बाइक सेम है, जस्ट लाइक पहले वाली जो ड्यूक 200 थी वैसे ही सेम कलर एंड ग्राफिक्स आपको मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये कलर आपको पहले भी मिलता था, सिल्वर मेटेलिक कलर। एंड इस बाइक में आपको एक और कलर मिलता है, ये इलेक्ट्रिक ऑरेंज कलर जो यहाँ पे लगा हुआ है। एंड इसमें भी आप देख सकते हो आपको ऐसा लुक मिलता है। ओवरऑल गाइस बाइक पूरी की पूरी सेम है। एंड गाइस इसी के साथ इस न्यू अपडेट के साथ हैं गाइस इस बाइक का जो प्राइस है वो पहले से 4 से 5 हज़ार रुपया, गाइस 4 से 5 हज़ार यानी 5000 ऑलमोस्ट 5000 रुपया इस बाइक का बढ़ा दिया गया है पहले के मुकाबले। एंड ये गाइस बाइक अवेलेबल है KTM अनिशाबाद शोरूम में। सो गाइस अगर आपको इस शोरूम से रिलेटेड कोई क्वेरीज करनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। सो गाइस KTM के इस स्टेप से अब जो ड्यूक 200 का मार्केट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड वो लोग जो ड्यूक 200 को छोड़कर MT50 या फिर होंडा हॉर्नेट 2.0 परचेस करते थे वो गाइस कहीं ना कहीं एक बार सोचेंगे ज़रूर उन बाइक को परचेस करने से पहले कि इससे अच्छा भाई ड्यूक 200 क्यों ना ले लें। अब तो इस बाइक में हमें सेम ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390 के जैसा भी मॉडल मिलता है। तो इस पे गाइस आप लोग क्या सोचते हो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ एंड गाइस KTM ने ये जो स्टेप लिया इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। एंड गाइस साथ ही साथ आप लोग ये भी बताओ अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या इस बाइक में और भी चेंजेस करने चाहिए KTM को या फिर नहीं।
एंड गाइस बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस भाई ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ाया गया है। मतलब इस लाइट के लिए सिर्फ आपको 5 से 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। वहीं गाइस जो पहले ड्यूक 200 आता था उसमें अगर आप ऐसा लाइट लगवाते थे, मतलब ड्यूक 250 के जैसा LED लाइट लगवाते थे, तो उसके लिए आपको 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, एंड कहीं कहीं तो भाई 20 हज़ार रुपये पे करना पड़ता था। तो वो गाइस कंपनी ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब आपको रेडीमेड मिलता है, मतलब कंपनी ही दे रही है भाई ऐसा ड्यूक 390 का मॉडल आपको 200 में। तो ये भाई एक बहुत अच्छा KTM ने स्टेप लिया है, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि काश हमें ड्यूक 200 में ऐसा 390 का जैसा मॉडल मिल सके। तो लो भाई अब आप KTM ने वो आपकी जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया है, एंड अब आपको सेम आपको ड्यूक 390 का जैसा मॉडल ही ड्यूक 200 में मिलता है। एंड गाइस जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, ताकि जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं जो ड्यूक 200 परचेस करना चाहते हैं वो भाई इस बाइक को परचेस कर सके, एंड अवेयर हो सके कि ड्यूक 200 में अब आपको ऐसा मॉडल मिलता है। क्योंकि बहुत से शोरूम वाले ऐसे हैं भाई जो बताते नहीं हैं कि बाइक में चेंज हो गया है, एंड पुरानी वाले जो ड्यूक 200 है वही आपको चिपका देते हैं। इसीलिए गाइस ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड उनको बताओ कि अब आपको ड्यूक 200 में ऐसा मॉडल मिलता है। एंड गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम। तो चलता हूँ गाइज, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाना है।